वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और आज हम कर रहे हैं क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की सेकंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। इससे पहले हम थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसने दी थी? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज दी थी एडम स्मिथ ने दी थी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस थ्योरी में क्या बोला गया है? सबसे पहली बात बोली गई है कि कंट्री स्पेशलाइज होगी, इसकी वजह से किसमें? उन प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स वो बहुत ही एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है। इस थ्योरी की वजह से, इस ट्रेड की वजह से कंट्रीज जो है वो उन प्रोडक्ट्स में से स्पेशलाइजेशन ले सकती है जिन प्रोडक्ट्स में वो जो प्रोड्यूस कर सकती है एफिशिएंट वे से। नाउ ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो हमने अजम्पशंस में भी डिस्कस किया है, जो कि कौन है? लेबर। लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर के अलावा कोई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। नेक्स्ट, इस थ्योरी में क्या बोला गया है कि जो कंट्री का वेल्थ है वो वेल्थ कहीं से भी गोल्ड रिजर्व से नहीं आ रहा है। गोल्ड रिजर्व की वजह से आपके कंट्री में वेल्थ नहीं है, आपकी कंट्री में वेल्थ है किसकी वजह से? कि आपकी कंट्री के सिटीजन्स को कितने गुड्स एंड सर्विसेज क्या है अवेलेबल है। जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होंगे उतनी ही ज्यादा माना जाएगा कि उस कंट्री की क्या है वेल्थ है, अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। नेक्स्ट क्या बोला गया? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज का क्या मतलब है? कि कंट्री ए सिर्फ वही गुड्स एक्सपोर्ट करे जो गुड्स वो कंट्री बी के कंपैरिजन में लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, सिर्फ वही गुड्स एक्सपोर्ट करे जो वो कंट्री बी के कंपैरिजन में लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पा रही है, और इंपोर्ट सिर्फ कंट्री ए वही गुड्स इंपोर्ट करे जो कंट्री बी प्रोड्यूस कर पा रही है लो कॉस्ट में, किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में। ठीक है, मींस कहने का क्या मतलब है कि आप जिस भी प्रोडक्ट को कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसी प्रोडक्ट को आप क्या करें? एक्सपोर्ट करें। और अगर आप ये देखें कि दूसरी कंट्री उस प्रोडक्ट को चीप रेट में प्रोड्यूस कर पा रही है, लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पा रही है, तो आप वो गुड्स क्या करें? इंपोर्ट करें। नेक्स्ट, फ्री ट्रेड की वजह से क्या क्या फायदा हो रहा है? कंट्री की प्रोस्पेरिटी इंक्रीज हो रही है, कंट्री की में फ्री ट्रेड की वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है? इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट, आप स्पेशलाइज कर सकते हो किस चीज में? प्रोडक्शन में भी आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, प्लस आपकी स्पेशलाइजेशन होगी एक्सचेंज में भी, क्योंकि आप एक तरीके से वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो जो आप लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो, और आप एक्सचेंज कर रहे हो वो गुड्स जो दूसरी कंट्री लो कॉस्ट में प्रोड्यूस कर पा रही है। नेक्स्ट इज, हर एक कंट्री की स्पेशलाइजेशन होगी उस चीज में, किस चीज में? कि वो प्रोडक्ट्स को चीप से चीप रेट में एफिशिएंट वे से रिसोर्सेज को यूज करके प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके? थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज के, जो किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से कोई भी पॉइंट जो है वो बन सकता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। सो थैंक यू वेरी मच। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज यही खत्म होता है। शॉर्ट वीडियोस बनाने का यही मोटिव है कि आप रेगुलर वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग।